नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स, हमेशा की तरह करंट अफेयर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आपकी एमसीक्यूज। राइट, टुडे इज 21 अक्टूबर 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्जाम्स हो माय डियर एस्पिरेंट्स, किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक दैट बैंकिंग का, आईबीपीएस, एसबीए, क्लर्क मेंस, जैसा कि क्लर्क प्री का जो रिजल्ट्स आ चुका है एंड 31 अक्टूबर को आपके मेंस का एग्जाम्स है, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, स्टेट लेवल के एग्जाम्स, अगर कोई भी एग्जाम्स हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं करंट अफेयर, तो प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशंस को, एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज, लेटेस्ट करंट अफेयर न्यूज आपको मिलती रहेगी। ओके, एंड अच्छा लगे आपको तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो। एंड टेंस इंपॉर्टेंट है, लगे आपको तो प्लीज और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सेशंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, 620 क्वेश्चंस, यानी कि 620 क्वेश्चंस टॉप लेवल के करंट अफेयर मैंने एक वीडियो में डिस्कशंस किया है, आपके लिए पीडीएफ भी बना रखा है। राइट, मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, बुक बेस्ड पर क्वेश्चंस, डीज बेस्ड पर क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस को आपको एक साथ कलेक्शंस इसमें मिल जाएगा। ओके, एक पीडीएफ फॉर्मेट में है, अगर आपको चाहिए, आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, सर हमको चाहिए, हम एक तरह से पीडीएफ को देखना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी मेल आईडी है वह कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज मैंने अपलोड कर रखे हैं मेरे चैनल्स पे, जैसे कि लेटेस्ट आपके जो सितंबर मंथ लास्ट मंथ है, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस की 2020। राइट, अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस 2020 माय डियर एस्पिरेंट्स सितंबर मंथ की। राइट, ऐसे ही आपको अगस्त मंथ, जुलाई मंथ, जून मंथ, मई मंथ, सभी मंथ के नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में वीडियोज के लिंक है, वहां से जाके आप मंथ वाइज कवर कर सकते हैं कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कौन कौन से रेजिग्नेशंस हुए हैं। ओके, देख लीजिएगा पीडीएफ, अगर आपको चाहिए इन सभी का तो कमेंट बॉक्स में मेल आईडी डाल दीजिएगा या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा। राइट, नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरी, जैसा कि आपको मालूम है यह भी आपके मंथली बेसिस पर है, प्रत्येक मंथ के एंड में मैं यह वीडियो अपलोड करता हूँ, इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरी, आपकी अपॉइंटमेंट्स, बुक बीस पर बुक बुक हो गई आपकी, राइट, डेज हो गई, राइट, ये सब वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, तो जाके देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से जाके आप वीडियोज को देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कल का क्वेश्चन है माय डियर एस्पिरेंट्स, कि मैंने पूछा था व्हाट इज द कैपिटल्स ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी क्या है। राइट, अंकारा, बिस्की, डबलिंस एंड लीरा। राइट माय डियर एस्पिरेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक में यह क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। राइट, स्टैटिक में ये कैपिटल का क्वेश्चन बनाता है, तो डबलिन, सॉरी फॉर दैट, डबलिन इज द कैपिटल्स ऑफ आयरलैंड। राइट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, आयरलैंड की कैपिटल्स क्या है, डबलिन इज द कैपिटल्स ऑफ आयरलैंड, याद रखिएगा, क्लियर, सी ऑप्शन। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अंकारा किसकी कैपिटल से, बिस्के किसकी है, लीरा किसकी है, ये तीनों कैपिटल्स आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके लिए होमवर्क है। राइट, ताकि आपका भी कवर हो सके, सर्च करेंगे आपको भी पता चल सकेगा कि आपकी कंट्री कौन सी है इनकी, एंड देन करेंसीज कौन सी है, एग्जाम्स में स्टैटिक के बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ओके, अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट डेज पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ना, उनको मैं बताते चलूँ माय डियर स्टूडेंट्स, अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में पहले अपन इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कशन करते हैं, उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट बुक्स होती है वह डिस्कशंस करते हैं, देन देन आफ्टर दैट अपन
इम्पॉर्टेंट न्यूज डिस्कशंस करते हैं जो कि आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ये इतने पार्ट्स में आपका सेशंस रहता है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अदर पार्ट्स इसमें ऐड करना हो, कुछ इंक्लूड करना हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि सर इसमें ये चीज़ भी ऐड कर लीजिए ताकि हमको बेनिफिट्स मिल सके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टू आपकी आपको मालूम है यस्टरडे 20 अक्टूबर 2020 था, तो आपके वर्ल्ड स्टैटिक्स डे आपका 20 अक्टूबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। इसकी थीम रही थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, राइट। देखिए अगर डेज बेस पर क्वेश्चंस पूछेगा आपको, तो पहला डेज पूछ सकता है कि विश्व स्टैटिक्स डे आपकी कब बनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को। सेकंड थीम पूछ सकता है कि थीम क्या रही थी, तो कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, राइट, दैट इज द थीम ऑफ पर्टिकुलर डे, राइट। इनमें से एक ही क्वेश्चन यहाँ से एक से दो क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, डेज बेस की बात करें मैं, तो माय डियर फ्रेंड्स अभी तक अपन ने सब अक्टूबर मंथ के आज 21st of October है, तो अपन ने कौन कौन से डेज अभी तक पढ़ लिए हैं एक बार रिविजन्स कर लेते हैं ताकि इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक रिवाइज भी आपका हो सके। ओके, फर्स्ट अपन ने पढ़ा था वृद्धजन, राइट, एल्डरली डे, वृद्धजन दिवस जिसको कहते हैं। एंड कॉफी डे भी आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वह भी आपका 1st of October को बनाया जाता है। सेकेंड माई डियर फ्रेंड्स, दैट इज द इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डी आपका बनाया जाता है, याद रखिएगा। जो महात्मा गांधी जी की जयंती होती है ना, राइट, महात्मा गांधी जी की जयंती, राइट, और लाल बहादुर शास्त्री की जी की जयंती, यह भी आपके इसी दिन बनाई जाती है। सेकंड अपन ने पढ़ा था, दैट इज द थर्ड पोजीशंस पे, 5th of October माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड टीचर्स डे, राइट, विश्व शिक्षक दिवस, कन्फ्यूज मत होइएगा, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को, वर्ल्ड टीचर्स डे आपके 5 अक्टूबर को, याद रखिएगा, एग्जाम्स में बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट आपका है 8th of October को, दैट इज द इंडियन एयरफोर्स डे, राइट, भारतीय वायु सेना दिवस 8th of October को। 9th of October को माय डियर फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस डे, राइट, पोस्ट ऑफिस डे 9th of October को। नेक्स्ट आपका 10th of October को पोस्टल्स डे, राइट, याद रखिएगा पोस्टल्स डे 10th of October को। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द 15th of October को, 15th of October को स्टूडेंट्स डे, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, विश्व विद्यार्थी दिवस आपकी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, यह भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको। ओके, 15th of October को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में आपकी बनाया जाता है, याद रखिएगा, क्लियर। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है, राइट, तो प्लीज़ थम्सअप देते चलिएगा, लाइक बटन पे प्रेस करते चलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। ओके, जो जो इम्पोर्टेंट है, अगर लास्ट मंथ अगर आपको कवर करना है, तो सितंबर मंथ की वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, डे प्लस उसकी थीम क्या रही थी, यह सब कुछ मैंने उसमें पर्टिकुलर डिटेल्स में डिस्कशन किया है, देखिएगा जरूर, बहुत हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक बुक रिलीज की गई है, दैट इज द पोर्ट्रेट्स पावर, राइट, जो कि आपके एन के सिंह, राइट, एन के सिंह जो कि 15th फाइनेंस कमिश्नर्स थे, कमीशन्स थे, राइट, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, राइट, उन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखी है, पोर्ट्रेट्स पावर, राइट, याद रखिएगा, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बुक बेस पर पूछा जा सकता है, ओके, क्लियर। और बुक बेस पर अगर आपको जानना है, तो वीडियो को मैंने स्टार्टिंग्स में भी आपके साथ शेयर किया था, सितंबर मंथ की, अगस्त मंथ की, जून मंथ की, जुलाई मंथ की, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, वहाँ से सारे बुक्स प्लस उसके ऑथर कौन कौन है सारे आप जान सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, देखिएगा बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूज आपके सामने है, उड़ीसा सीएम
जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन बाबू, राइट, उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, दैट इज द मूव विद्युत, राइट, मूव विद्युत आपके पोर्टल्स लॉन्च किया है, राइट, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक ने, याद रखिएगा एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से बना हुआ क्वेश्चन है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कोई भी करंट अफेयर हो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है, ओके। तो मोह विद्युत नामक एक एप्लीकेशन, एक पोर्टल्स लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, राइट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो वो उड़ीसा ने ही लॉन्च किया है, ओके। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर्स आपके नवीन बाबू हैं, राइट, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल हो गई, राइट, भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड देन सिमलीपाल नेशनल पार्क, राइट, ये यहाँ की जो इम्पोर्टेंट फेमस पार्क हैं, मधुबाबू पेंशन योजना, जो कि आपकी मधुबाबू पेंशन योजना जो ट्रांसजेंडर से उनको लिए ये पेंशन योजना शुरू की गई है, नेक्स्ट आपकी बलराम स्कीम जो किसानों के लिए है, लगभग 1040 करोड़, एसपीआई क्लर्क मीन्स में अमाउंट याद रखिएगा, 1040 करोड़ रुपीज इसमें टोटल्स इन्वेस्ट किए जाएंगे, कालिया स्कीम, पेटा स्कीम, राइट, ये यहाँ की फेमस स्कीम है, मधु एप्लीकेशंस, एलआईसी असिस्टेंट मीन्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया था, जो मोजीवंस, राइट, मोजीवन आपकी मो प्रतिभा, राइट, मो प्रतिभा, ये यहाँ के फेमस एक पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो फर्स्ट एडिशन है, वह आपकी उड़ीसा में ही आयोजित किया गया था, जिसमें पंजाब ने टॉप पोजिशन पे टॉप स्थान प्राप्त किया था, याद रखिएगा, ओके, क्लियर। उड़ीसा से रिलेटेड कोई डाउट्स हो, कोई चीज आपको पूछनी हो, पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द नितिन गडकरी लीज फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल्स लॉजिस्टिक पार्क इन आसाम, राइट। नितिन गडकरी जो आपको मालूम है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सड़क परिवहन मंत्रालय इनके पास है, राइट, इन्होंने एक फाउंडेशन रखा है यानी कि नींव रखी है फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल्स लॉजिस्टिक पार्क की, जो कि आसाम में इसको स्थापित किया गया था, आसाम में इसको स्थापित किया जाएगा, राइट राइट, आसाम में इसका उद्घाटन किया गया है, आसाम में इसकी नींव रखी गई है, फर्स्ट है तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, मल्टी मॉडल्स लॉजिस्टिक पार्क जो कि आसाम में इसका आयोजित किया जाएगा, क्लियर। असम के चीफ मिनिस्टर से आपके सर्वानंद सोनोवाल, ओके, सर्वानंद सोनोवाल, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है, दिसपुर यहाँ की कैपिटल से, याद रखिएगा, कंचन गंगा, कामाख्या मंदिर, राइट, ये यहाँ के फेमस जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस पूछते हैं बार बार, ये यहाँ के असम के ही हैं, क्लियर। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द पीआईबी न्यूज है, पिप की न्यूज है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यानी कि एमओएस है जो आपकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे, श्री पुरुषोत्तम रूपेला, पहले तो एमओएस का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट, याद रखिए 19th ऑफ अक्टूबर कल की न्यूज थी, राइट, पुरुषोत्तम रूपेला लॉन्चेस 10,000 करोड़ एनसीडीएससी एनसीडीसी, इट मीन्स आपके नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आयुष्मान सहाका, राइट, फंड एलोकेट किया है आपकी एमओएस जो आपकी पुरुषोत्तम रुपेला है, एग्रीकल्चर एमओएस है, राइट, उन्होंने एक स्कीम्स लॉन्च की है, पर्टिकुलर लॉन्च तो मिनिस्टर्स ने की है, बट इनका नाम यह एक एमओएस है तो इनका नाम भी आप आएगा, ओके। तो एमओएस है और जो कृषि मंत्रालय का प्रभार देख रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस स्कीम्स को लॉन्च किया है, स्कीम्स का नाम है आयुष्मान शाखा, 10,000 करोड़ रुपीस टोटल्स इसमें एनसीडीसी यानी कि नेशनल कॉरपोरेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट होंगे, ओके, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर बाई कॉरपोरेटिव, क्लियर, समझ में आया, नेम याद रखिएगा, स्कीम्स का नेम याद रखिएगा, किसने लॉन्च किया है, कृषि मंत्रालय ने, एमओएस पूछे तो आपको पुरुषोत्तम रूपेला बार बार पूछा गया क्वेश्चन से, यह भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट कुछ ऑबिचुरीज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑबिचुरी है मंत्री कपिल देव कामत, जो आपके बिहार के मंत्री थे कपिल देव कामत, जिनका कोरोना की वजह से, कोरोना संक्रमित होने की वजह से, कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उनका निधन हो गया है। ओके राइट। पटना एम्स में उनका इलाज चल रहा था। यह एक पटना यानी कि बिहार में मंत्री पद पर कार्यरत रह चुके हैं, राइट, रह चुके थे, राइट। अब इनका नेम, माय डियर प्रिंस, आपकी कपिल देव कामत हैं, पटना बिहार, बिहार से बिलोंग करते थे, पॉलिटिशियंस थे, राजनेता थे, याद रखिए। ओके नेक्स्ट एक और ऑबिचुरी है, कर्नाटका सीपीएम लीडर्स डाइज, जो सीपीएम्स के लीडर से आपके मारुति मन पांडे, राइट, उनका निधन हो गया है, राइट, याद रखिएगा, बॉम्बे में। शोलापुर महाराष्ट्र में उनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज चल रहा था, एडमिट थे, उनका वहां पर निधन हो गया है। तो अपने को नेम याद रखना है, प्लस पार्टी पूछे तो पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है। सीपीएम लीडर्स लेफ्ट पार्टियों की एक लेफ्ट पार्टी है सीपीएम, राइट। मारुति मनादे उनका नाम है। पॉलिटिशियंस प्रोफेशंस पूछे, राइट, एक ऑबिचुरी में प्रोफेशंस रिलेटेड, प्रोफेशंस प्लस उसका नेम पूछे, इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। आप मेरा ऑबिचुरी वाला वीडियो देखिएगा, मैंने स्टार्टिंग्स में आपको बताया है, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, देखिएगा। मैंने डेमो क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके अब आते हैं आज जो अपन ने अभी तक पढ़ लिया है, इट मीन्स अभी तक कौन कौन सी न्यूज, क्या क्या चीज अपन ने पढ़ ली है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पढ़ा था अपन ने वर्ल्ड स्टैटिक डे, राइट, जो कि आपके 20 अक्टूबर को बनाया जाता है। यह अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, आपकी 20 अक्टूबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। इसकी थीम क्या रही थी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट अपन ने एक बुक पढ़ी थी एन के सिंह, जो 15th फाइनेंस कमिश्नर हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी बेनेडिक्ट, राइट, रिंग शायद। ओके तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा, एन के सिंह, राइट, जो 15th फाइनेंस कमिश्नर हैं। नेक्स्ट है ओडिशा के सीएम, राइट, नवीन पटनायक ने एक पोर्टल्स लॉन्च किया है, एक ऐप लॉन्च किया है, मो विद्युत, राइट, यह पोर्टल लॉन्च किया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से सुचारू रूप से चले उनके लिए। ओके नेक्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस स्कीम्स को लॉन्च किया, दैट इज द आयुष्मान सहकार स्कीम, राइट, याद रखिएगा। एमओएस पुरुषोत्तम रूपेला, एग्रीकल्चर एमओएस कौन है, पुरुषोत्तम रूपेला, उन्होंने मिलकर यह स्कीम्स का शुभारंभ किया है। 10,000 करोड़ रुपीज टोटल्स एनसीडीसी में इन्वेस्ट होंगे। ओके नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था नितिन गडकरी, जो आपकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है यानी कि सड़क परिवहन मंत्रालय का प्रभार देख रहे हैं, उन्होंने एक फाउंडेशन, एक नींव रखी है आपकी कंट्री, जो आपकी भारत का एवर मल्टी मॉडल्स लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल्स लॉजिस्टिक पार्क, जो आसाम में इसकी नींव रखी है नितिन गडकरी जी ने, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह न्यूज़, तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ओके नेक्स्ट आपका बिहार के जो अभिचुरी दो अपन ने पढ़ी थी, बिहार के चीफ मिनिस्टर, बिहार के एक मिनिस्टर है मंत्रालय देख रहे थे आपकी कपिल देव कामत, जिनका कोरोना की वजह से, कोरोना पॉजिटिव की वजह से उनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। एक न्यूज अपन ने और पढ़ी थी कर्नाटका के सीपीएम लीडर से मारुति मन पांडे, राइट, मन पांडे, उनका भी निधन हो गया है आपकी, याद रखिएगा। कर्नाटका के सीपीएम के लीडर से, याद रखिएगा, शोलापुर महाराष्ट्र में उनका निधन हुआ था, इलाज चल रहा था आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में शोलापुर महाराष्ट्र में, क्लियर। तो ये तो थी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज, जो कि आज की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पर्टिकुलर स्लाइड्स का, ताकि आपको क्लियर हो सके। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। देखिए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिसेंटली इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी कि IWF हैज अपॉइंटेड मिशेल्स ईरानी हैज एज इंटरिम प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का हेडक्वार्टर, माय डियर स्टूडेंट्स, कहाँ स्थित है, जिसने भी, कोई भी स्टूडेंट्स ने
अगर कल का वीडियो परसों का वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखता रहा है, उनके लिए क्वेश्चंस हलवा है, हलवा टाइप, बिल्कुल हलवा टाइप है। कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, राइट। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, अदरवाइज आप सर्च करके भी टाइप कर सकते हैं। ओके, अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी, थम्स अप देना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, राइट। और कमेंट बॉक्स में आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो पहले सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर लें, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया, पीडीएफ किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का चाहिए। सपोज कीजिए आपको 620 क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, तो आप एस टाइप से लिखना 620 क्वेश्चंस पीडीएफ, मेल आईडी अपनी दे दीजिएगा, मैं आपको मेल कर दूंगा पर्सनली। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। अच्छा लगा होगा, आई होप अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल्स पर न्यू जुड़ना है तो सब्सक्राइब बटन पर भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, एंड सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आगे एग्जाम्स हैं, राइट। और प्रिपरेशंस कंटिन्यू करते रहिए, जीके कंटिन्यू पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। ओके।